ऐसे धागे को उंगली पे गोल करेंगे और इसके बीच में क्रूसिया डाल के इस धागे को बाहर निकाल के एक चैन कर लेंगे और फिर तीन चैन करेंगे। फिर इसके बीच से डबल क्रूसिया बनाएंगे। इसमें 17 डबल क्रूसिया बनाएंगे और जो पहले तीन चैन किए थे उसको मिला के ये 18 हो जाएगा। ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब इस धागे को खींच देंगे। फिर इसको पहले जो तीन चैन किए थे उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। और फिर तीन चैन करेंगे और फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही दो एक बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें 26 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसको इस पहले वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर तीन चैन और फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर तीन चैन, फिर यहां से दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन करेंगे। फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पहले तीन चैन किए थे उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर तीन चैन करेंगे। और जहां तीन चैन किए हैं वहां पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां दो डबल क्रोशिया है उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहां तीन चैन है वहां पे तीन डबल क्रोशिया। और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे और फिर तीन चैन और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चार चैन फिर नीचे से चार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, चार चैन और नीचे से चार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। पहले तीन चैन में स्टिच कर लेंगे और तीन चैन
फिर इसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चार चैन और फिर जहां दो डबल क्रोशिया किए हैं उसके बीच से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां जहां दो डबल क्रोशिया है वहां वहां तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में चार चैन करेंगे और ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे और फिर तीन चैन करेंगे, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये चार बन गया। फिर यहाँ पे पांच चैन करेंगे, और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले वाले राउंड में जहाँ जहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस वाले राउंड में वहाँ वहाँ चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में पांच चैन का गैप करेंगे और ऐसे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे और फिर तीन चैन करेंगे। फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया। और ये चैन मिला के छह डबल क्रोशिया हो गया। चार चैन करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया। जहां जहां चार डबल क्रोशिया बनाए हैं वहां वहां इस राउंड में छह डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में चार चैन का गैप देंगे और ऐसे ही करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे, फिर तीन चैन, फिर यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ चैन मिला के आठ डबल क्रोशिया हुआ। फिर चार चैन करेंगे, पहले दो डबल क्रोशिया की, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो डबल क्रोशिया। ऐसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे, पहले दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां जहां छह डबल क्रोशिया बनाए थे वहां वहां आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में चार चैन करेंगे और ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे, फिर तीन चैन और फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया। इसके पहले वाले में आठ बना था, यहाँ पे इसमें सात बनाए। फिर जहाँ चार चैन था वहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ जहाँ आठ डबल क्रोशिया था वहाँ वहाँ सात डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ जहाँ चार चैन था वहाँ वहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे, फिर तीन चैन, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन करेंगे और फिर नीचे से तीन डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन करेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसको इसमें स्टिच कर लेंगे और फिर तीन चैन करेंगे। फिर जहां तीन चैन है वहां पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चार हो गया और फिर जहाँ दो डबल क्रोशिया बनाए हैं वहाँ पे उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ तीन चैन है वहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले तीन चैन में स्टिच कर लेंगे और फिर तीन चैन करेंगे, फिर
फिर इसके बीच से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही जगह पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीन चैन मिला के चार हो गया। फिर पांच चैन करेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर पांच चैन करेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर पांच चैन करेंगे, फिर इसको भी तीन डबल क्रोशिया छोड़ के स्टिच कर लेंगे। फिर पांच चैन करेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही जगह चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। चार डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन चार बार और फिर चार डबल क्रोशिया, और ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे। फिर तीन चैन, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया। चैन मिला के ये छह हो गया। फिर पांच चैन करेंगे, जो पहले पांच चैन किए थे उसको छोड़ देंगे और जो दो नंबर में पांच चैन किए हैं उसके बीच में इसको स्टिच कर लेंगे। फिर पांच चैन करेंगे, और फिर इसको इसके बीच में स्टिच कर लेंगे। फिर पांच चैन करेंगे, और फिर जहाँ चार डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे यहाँ छः बनाए वैसे ही यहाँ पे छः बनाएंगे और बीच में तीन बार पांच पांच चैन करेंगे और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे। फिर तीन चैन, और फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 10 डबल क्रोशिया हो गया चैन मिला के। फिर पांच चैन करेंगे, जो दो नंबर में पांच चैन किए थे उसके बीच में इसको स्टिच कर लेंगे, और फिर पांच चैन करेंगे,
जहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ जहाँ 6 डबल क्रोशिया था वहाँ वहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5-5 चैन 2 बार करेंगे और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको पहले वाले में स्टिच कर लेंगे, फिर 3 चैन, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 2 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन मिला के ये 13 हो गया। फिर 5 चैन करेंगे। फिर जहां 10 डबल क्रोशिया बनाए थे वहां पे 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अभी बनाए, पहले एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसको स्टिच करके एक चैन कर लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और उसके बीच से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, छोटा डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से उससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और उसके बीच से उससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे जो इसके पहले बनाए थे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पहले जो बनाए थे उससे बड़ा बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये भी बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन करके जो 7 नंबर वाला है उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, छोटा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बीच से इससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच से इससे भी बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे वो इससे बड़ा बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच से इससे भी बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक चैन करके जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। और ये कंप्लीट हो गया। फिर पांच चैन करेंगे, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसको स्टिच कर लेंगे, फिर दो चैन करेंगे या एक चैन, और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, छोटा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के उससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये छह हो गया। फिर एक चैन करके जो सात नंबर वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये उससे बड़ा बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये उससे बड़ा बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया, ये उससे बड़ा, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के एक डबल क्रोशिया, ये उससे बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा बनाते हुए एंड तक जाएंगे, और फिर एक चैन करके यहाँ पे इसको लास्ट चैन में स्टिच कर लेंगे, और ऐसे ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको इस पहले वाले में स्टिच कर लेंगे, और फिर एक चैन और इस धागे को कट कर लेंगे।